सम्मान और रोजगार की मांग को लेकर देश के अन्नदाता प्राधिकरण के बाहर धरने पर बैठे भारी पुलिस बल को किया गया तैनात। किसी विद्वान ने कहा है कि खोकर अपना सम्मान बैठे हैं, देकर वह अपना लगान बैठे हैं। आज खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान बैठे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा ग्रेटर नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण के बाहर देखने को मिला, जहां अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों किसान धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से मांगों को लेकर वार्ता हुई, लेकिन आज तक उनकी मांगों को नहीं माना गया, जिसके चलते मजबूर होकर किसान धरने पर बैठ गए। वह किसानों के धरने को देखते हुए यमुना प्राधिकरण पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ग्रेटर नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण के बाहर नारेबाजी करते हुए किसान हैं। किसानों का कहना है कि वे अपनी जमीन अधिग्रहण के बदले मिलने वाले मुआवजे सहित आबादी की जमीन छोड़ने और 64% बढ़ा हुआ मुआवजा सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता, उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर कई बार प्राधिकरण के आला अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों को आज तक नहीं माना गया, जिस खातिर किसान धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। यमुना विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों का कहना है कि किसानों की मांगों को सुनकर उनकी समस्याओं का निपटारा कराया जा रहा है। साथ ही वही किसानों के धरना प्रदर्शन के चलते भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, ताकि अगर किसान उग्र होते हैं तो उनको फौरन रोका जा सके। प्राधिकरण के नीचे ही तो क्या इनकी मांगे कुछ मिले होंगे आपसे किसान? देखिए, अब 18 अक्टूबर को एक नोएडा प्राधिकरण में तीनों प्राधिकरणों के बाद प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी। उसमें तमाम चीज़ें कही गई थी, 7% आबादी की, 64% की लीज बैक की और डेवलपमेंट की, किसानों के रोज़गार की, तो उस पर सब तमाम चीज़ों पर बात हुई थी और तमाम चीज़ों पर जो है वो बात हुई थी। तो वो चाहते हैं कि वो कहते हैं, उनका ये कहना है जो कि ये संगठन है कि वादा खिलाफी हुए काम हुए नहीं। ऐसा नहीं है, लगातार आप लोग अखबारों में भी देखते होंगे 7% आबादी के रोज मसले निकल रहे हैं, अखबारों में छप रहे हैं, लीज बैक के भी प्रकरण क्लियर हो रहे हैं। जहाँ तक 64% की बात है, वो माननीय न्यायालय में 4 जनवरी को नियत है। इसके अलावा जो है वो डेवलपमेंट के भी काम हो रहे हैं। हो सकता है कुछ काम उतनी रफ्तार से ना हो पाए हों जितनी अपेक्षा की गई है। पूरा काम तो कभी नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ कमी रहती है, कुछ कमी प्राधिकरणों की भी होगी, लेकिन यह है कि काम तो हो रहे हैं, लेकिन जो काम बचे हुए हैं अगर किसान संगठन इंगित करेंगे तो काम और किए जाएंगे, आगे बढ़ाए जाएंगे। किसानों का कहना है कि कुछ मांगे अगर नहीं मांगी जाएंगी तो प्रोटेस्ट ही धरने पर बैठ जाएंगे। और ठीक बात है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में उनको अधिकार है अपनी बात कहने का और करने का। जो बात हो सकता है वो निश्चित तौर से होगा, जो नहीं हो सकता उसके लिए अनुरोध किया जाएगा कि ये चीज़ नहीं हो सकती। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।